नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका टॉपिक है, टाइटल है यस ब्रोकर वर्सेस नो ब्रोकर। क्या ब्रोकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई एम श्योर ये रिक्वेस्ट हमको काफी सब्सक्राइबर्स ने करी थी कि फायदा क्या है यस ब्रोकर का, या फिर अगर वो नहीं हो जाता तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मेरे को लगा कि मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, इमीडिएटली बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि फायदा क्या है ब्रोकर का, यस ब्रोकर का। तो देखिए, जनरली जो प्रॉपर्टी का डिसीजन है वो मोस्टली जो लोग हैं जिंदगी में शायद एक या दो बार लेते हैं जनरली, बट कुछ लोग जो होते हैं इन्वेस्टर्स वो हो सकता है 5 से 10 बार लें। ऑलराइट, तो जनरली लोगों के पास एक लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को करने का, नंबर वन। वहीं अगर आप एक ब्रोकर को, कंसल्टेंट को सजेशन लेते हो, उसके कंसल्टेंसी लेते हो भले एक फीस पे करके, उसके पास एक्सपीरियंस है मल्टीपल ट्रांजैक्शन का, वो साल की कम से कम 6 से 12 ट्रांजैक्शन एटलीस्ट करता है, और अगर वो 10 साल से कर रहा है तो उसको हो सकता है, मान लीजिए 50, 100, 150, 200 रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करने का एक्सपीरियंस है। तो इट इज लाइक कि अगर कोई डॉक्टर है, उसने सर्जरी करी हुई है पहले 100, 150, 200, और वो अगर आपका ऑपरेशन करे तो आप सेफ और सिक्योर फील करोगे एज कंपेयर टू किसी झोला छाप डॉक्टर के। तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से डील करते हैं जिन्होंने मल्टीपल ट्रांजेक्शन करी हुई है। आप एक ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर से चांसेस हैं डील करोगे जिसने मल्टीपल सर्जरी करी हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है डॉक्यूमेंटेशन। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर एक प्रोफेशनल बंदा है तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज होते हैं एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, जब आप टोकन देते हो उस टाइम पे आपका एक पेज का MOU बनता है, फिर सेकेंड स्टेज में आपका एग्रीमेंट टू सेल बनता है जब आप 10% पेमेंट दे देते हो बिल्डर को या सेलर को, फिर उसके बाद आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है, फिर आपकी रजिस्ट्री होती है, और इसके अलावा आपके पास मल्टीपल ऐसी चीजें होती है जहां पे कि उस प्रॉपर्टी का रेरा आया हुआ है या नहीं आया हुआ, रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट का लाइसेंस है या नहीं है, फिर उसके जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो क्लियर है या नहीं है। तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत सारे लीगल फैक्टर रहते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन, जो एक नॉर्मल जॉब कर रहा है अपना, उसको वो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, क्योंकि वो साल में या 10 साल में या 5 साल में एक प्रॉपर्टी लेता है, या फिर पूरी जिंदगी में 2, 3, 5, 10 प्रॉपर्टी ले सकता है मैक्सिमम। वहीं अगर एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो साल की 10, 15, 20, 25, 50 ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके पास वो एक्सपीरियंस होता है डॉक्यूमेंटेशन का। थर्ड रीजन है नेगोशिएशन का। तो कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी आपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर किया तो आपको एक कमीशन पे करना होगा, चांसेस आर यस, बट नेगोशिएशन के अंदर हो सकता है बहुत बार आपके बहुत सारे पैसे बचा जाए। और मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मेरा खुद का एक बहुत क्लासमेट था जो मेरे साथ आई थिंक फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा था, उसने मेरे से सारी की सारी कंसल्टेंसी ली। उसको नोएडा में एक फ्लैट खरीदना था तो उसने सारी कंसल्टेंसी मुझसे ली, बट डायरेक्टली जाके किसी और ब्रोकर के साथ उसने ट्रांजैक्शंस करी, और मुझे बुरा इस चीज का नहीं लगा कि उसने उसके साथ ट्रांजैक्शंस करी, मुझे बुरा इस चीज का लगा कि उसने वहां पे उसको एक बहुत ही लिमिटेड डिस्काउंट मिला, लिमिटेड नेगोशिएशन वो कर पाया, और अगर वो मेरे साथ जाता तो उससे लगभग डबल वो डिस्काउंट लेके जा पाता। बट क्योंकि उसको ये लगा कि यार
अगर मैं इसके साथ ट्रांजेक्शन करूंगा तो पता नहीं इसका क्या फायदा है। तो वो अपने फायदा ज्यादा करवाने के चक्कर में वो अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवाया, और उसके बाद शाम को आके मुझको बोलता है कि गौरव मैंने वो ट्रांजेक्शन फाइनल करी। तो मेरे को लगा कि यार मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन उसको बोला, बट मेरे को लगा कि यार तू इस ट्रांजेक्शन के अंदर ना तू फायदा करने गया था, बट अल्टीमेटली तू लॉस करके आया है और मेरे को पता था तू ऐसा करेगा। ऑलराइट, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फोर्थ रीजन होता है कि अगर एक अच्छा कंसल्टेंट है जिससे आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो वो आप पे एक बैलेंस्ड ओवरव्यू देगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का। अगर आप इवन डायरेक्टली बिल्डर के पास भी जाते हो, तो वहां पे जो इम्प्लाईज हैं उनके ऊपर टारगेट है और उनको वो प्रॉपर्टी बेचनी है, सेल करनी है, तो उससे होता क्या है कि होता ये है कि क्योंकि उनको अपनी लस्सी कोई खट्टी नहीं बताता, सिमिलरली जो इम्प्लाईज है वो अपना प्रोजेक्ट कभी भी गलत नहीं बताएंगे आपको। बट एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है जिसके पास 3 से 5, 10 प्रॉपर्टी कंपेयर करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो मल्टीपल बिल्डर से, मल्टीपल सेलर से डील करता है, सो दैट इज द रीजन वो आपको एक बैलेंस्ड ओवरव्यू देगा अंटिल और अनलेस कि वो बायस्ड नहीं है। फिफ्थ रीजन है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बिल्ट होता है कंसल्टेंट के साथ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर एक बिल्डर है उसके पास 500 700 हजार कस्टमर्स हैं, तो उसको 500 700 हजार कस्टमर्स को सर्विस देनी है। और बहुत बार ऐसा देखा है कि बिल्डर के ऑफिस में जब आप जाते हो तो बहुत बार आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता और आपको एरोगेंस के साथ ट्रीट करा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे एक फ्रेंड थे वरुण करके, वो एक बिल्डर है, नाम नहीं लूंगा, बड़ा ही रेप्यूटेड बिल्डर है गुड़गांव का। वहां पे वो खुद रियल एस्टेट का काम करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस मेरे को शेयर कर रहे थे कि वो एक बिल्डर के ऑफिस में गए और उनको बिल्डर के एम्प्लॉइज ने ये बोला कि अगर आपको प्लॉट का अलॉटमेंट लेना है तो लो, नहीं तो बाहर जाके बैठो। वो उसको इतना गुस्सा आया, उसने उसी टाइम उसको एक थप्पड़ जड़ दिया और पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। उसने उनको एक सिंपल सी चीज बोली कि अगर आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि मैं एक बिल्डर लॉबी में काम कर रहा हूं, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो आप नॉर्मल कस्टमर के साथ आप कैसा ट्रीटमेंट करते होगे, नॉर्मल कस्टमर के साथ आप कैसा ट्रीटमेंट करते होगे। ऑलराइट, सो लेसन ये है कि आपको बहुत बार ऐसा भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जहां पर आपको एरोगेंस के साथ ट्रीट करा जाएगा। वहीं पे अगर आप किसी प्रोफेशनल ब्रोकर के साथ जाओगे तो आपको उस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर सारी चीजें गाइडेंस के मिलेंगी, चीजें क्लियर कट मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो आपके साथ एक लंबा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, क्योंकि मान लीजिए बिल्डर है उसके पास 1,000 कस्टमर्स हैं, वो हर एक कस्टमर का टेक केयर नहीं कर सकता। वहीं एक जो आपका ब्रोकर है उसके पास मान लीजिए साल में 15 या 20 क्लाइंट ही आते हैं, तो उसको लगता है कि मैं इन क्लाइंट के साथ अगर लंबा रिलेशनशिप बिल्ड करके चलूंगा तो हो सकता है वो मेरे साथ सेकंड थर्ड ट्रांजेक्शन करें, प्लस हो सकता है कि वो आप उसको रेफरेंसेस भी दें। ऑलराइट, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रीजन है सेलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ठीक है, चलिए आपने एक प्रोजेक्ट तो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको सेलेक्ट करने के अंदर भी एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपकी हेल्प करता है। अदरवाइज क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, कि ठीक है प्रॉपर्टी तो सेलेक्ट कर ली, बट उसके बाद प्रोजेक्ट तो सेलेक्ट कर लिया, बट उसके बाद सोचते हैं कि यार मेरे को फायदा मिल जाएगा डायरेक्टली अगर मैं डील करूंगा, बट उनको एक्चुअली ये नहीं पता जिस बंदे से वो डील कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंटरनली एक कंसल्टेंट है, किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू वो एसोसिएटेड है। ऑलराइट, तो उनको लगता है कि, और कई बार ऐसा होता है कि वो दबी हुई यूनिट ले लेते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर या इवन रेजिडेंशियल के अंदर, जिसको कल को बेचने में या फिर किराए पे चढ़ाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो वो मौके की यूनिट्स नहीं लेके आ पाते, भले ही आपको 5% 10% एक्स्ट्रा पीएलसी देने पड़े, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज देना पड़े, बट मेक श्योर आप एक ऐसी यूनिट लो जो कि कल को आपको इजीली सेल हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका
इवन अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको जिस टाइप की यूनिट चाहिए उस टाइप की यूनिट के लिए भी आपको, अगर अच्छा कंसल्टेंट है तो वो आपको गाइड करेगा, आपके लिए यूनिट निकाल के लेके आएगा मार्केट से। नाइन्थ रीजन है कि पोस्ट सेल सर्विस भी आपको मिलती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर्टी को लीज करने में खुद प्रॉब्लम आती है, खुद दिक्कतें आती हैं, या इवन अगर आपको रीसेल करनी है, प्रॉपर्टी से एग्जिट करना है, बेचना है, तो भी आपको अगर खुद चाहोगे तो प्रॉपर्टी में बेचने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट से डील करोगे तो आपको वहां पे दिक्कतें नहीं आती। नेक्स्ट है 10th रीजन की नॉलेज। तो देखिए, अगर जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट अपडेटेड है मार्केट से कि कहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, किस कहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कहाँ पे क्या रोड आ रहा है, कहाँ कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में है, ऑलराइट, किस प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है, किस प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया, तो एक मार्केट की नॉलेज हो गई, एक डोमेन की नॉलेज हो गई, एक इंडस्ट्री की नॉलेज हो गई, तीसरा लीगल नॉलेज हो गई। तो कंप्लीट नॉलेज होके आपको एक, अगर अच्छा कंसल्टेंट है तो वो आपको ये चीजें बताता है, ऑलराइट, जिससे क्या होता है आपका बहुत सारा टाइम और पैसा बच जाता है। टाइम क्यों बचता है कि आप एक फिल्टर कर पाते हो एक प्रॉपर्टी की। गुड़गांव में मान लीजिए 500 प्रोजेक्ट हैं, 500 प्रोजेक्ट में से 100 प्रोजेक्ट मेरे काम के हैं, 10 प्रोजेक्ट मेरे बजट के अंदर आते हैं, उसमें से ये एक प्रोजेक्ट बेस्ट है और वो क्यों बेस्ट है, तो फिल्ट्रेशन करने के अंदर आपकी मदद करता है, तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है। प्लस बहुत सारी जगह ऐसा होता है आपका पैसा बचता है। क्यों बचता है? जनरली ब्रोकर्स को 1% कमीशन मिलता है, 1 लाख अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 1 लाख रुपए कमीशन है, तो जनरली मोस्टली जो अगर आपके पास सही कंसल्टेंट है तो अपने 1 लाख रुपए के लिए वो आपकी 99 लाख रुपए गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करवाएगा। ऑलराइट, तो ये फायदे हैं यस ब्रोकर के। प्लस कल को अगर आपको अपने घर की या ऑफिस की अगर इंटीरियर करवानी है, फर्निशिंग्स करवानी है, तो उसके अंदर भी आपकी गाइडेंस करता है अगर एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। तो मैंने आपको फायदे बता दिए एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के, ब्रोकर के। अब मैं थोड़े से नुकसान भी बता देता हूं, डिसएडवांटेज भी बता देता हूं, कि डिसएडवांटेज क्या है कि आपको हो सकता है ब्रोकरेज देनी पड़े 1%, 1.5%, 2% जो भी ट्रांजेक्शन है, और कई बार वो लोगों को चुभने लगती है, जिसकी वजह से वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, ब्रोकरेज अगर आप बचा भी लोगे, बट अगर आपने 1 लाख 2 लाख रुपए बचाने के चक्कर में अगर पूरे 1 करोड़ रुपए की ऐसी की तैसी कर दी, तो आप कल को बड़ा पछताओगे कि अगर इससे अच्छा तो यार मैं 1 लाख 2 लाख रुपए किसी को दे देता। सेकंड नुकसान ये हो सकता है, अगर आपने एक अच्छे ब्रोकर से डील नहीं करी तो कई बार आपको हाई रेट भी मिल सकता है, ऑलराइट, अगर आप प्रोफेशनल बंदों से डील नहीं कर रहे। तीसरा डिसएडवांटेज ये भी होता है, कई बार बायसनेस होती है कि अगर किसी का किसी को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर कमीशन ज्यादा मिल रहा है तो वो उसकी तरफ आपको ज्यादा पॉजिटिव करेगा एज कंपेयर टू किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जहां पे उसको कम कमीशन मिल रहा है, तो एक बायसनेस आ सकती है, और भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फोर्थ, अगर आपने किसी पे रेफरेंसेस के चक्कर में या इस चक्कर में कि किसी ब्रोकर का बड़ा नाम है, उस चक्कर में किसी पे ब्लाइंड फेथ कर लिया, अंधविश्वास कर लिया, तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए। ऑलराइट, तो ये थे फायदे और नुकसान। तो मैं चाहता था एक ओवरऑल बैलेंस्ड व्यू दूं आपको। अब क्या फायदा है बेनिफिट्स ऑफ नो ब्रोकर, अगर ब्रोकर नहीं है तो उसके फायदा क्या हो सकता है, कि अगर ब्रोकर नहीं है उसके फायदे क्या होंगे? नो आइडिया ऑफ चूजिंग द राइट प्रॉपर्टी अमंग हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल, सैकड़ों प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, बट आपको नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे अवेलेबल है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप डिसीजन लेने के बाद अगर किसी को कांटेक्ट करते हो और बोलते हो कि यार शिट, मेरे को तो यहां नहीं वहां इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट जिससे आपने डील करी हो सकता है वो आपको उस डायरेक्शन में लेके ही ना जाए। ऑलराइट, तो ये लॉस है, क्योंकि आप तो अपने काम में बिजी हो, आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज शायद उतनी ना हो, और आप कितनी ही रिसर्च कर लो, कितना ही एनालिसिस कर लो, जो बंदा 10 साल से वो काम कर रहा है और आपको सिर्फ जिंदगी में एक प्रॉपर्टी के लिए काम करना है, तो आप उसको शायद कंपटीशन नहीं दे सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट फायदा क्या हो सकता है नो ब्रोकर का,
कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बीबीए हो गया, बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया, एटीएस हो गया, रजिस्ट्री हो गया, तो उसके अंदर वो आपको खुद डील करनी होगी वो चीजें, तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट और पैसा लग जाएगा जो आपका बच सकता था। हर फायदा क्या हो गया कि आपको शायद खुद आइडिया नहीं कि नेगोशिएशन कैसे करनी पड़ी, तो आपको लगेगा कि मेरे को फायदा हो गया, मेरे को कमीशन बच गया, बट एक्चुअल में आपको लॉस होगा, क्योंकि जिस रेट पे आपको डील मिल सकती थी, हो सकता है आपने उससे 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महंगा खरीदा हो, ऑलराइट, बट क्योंकि आपको लगा इंटरनली यार ये तो रेट बेस्ट है, इससे ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता, बट क्योंकि आपको आइडिया नहीं था तो आपको लगेगा कि आपने सस्ती प्रॉपर्टी खरीद ली, बट एक्चुअल में हो सकता है कई बार आप महंगी प्रॉपर्टी खरीद लो। बेनिफिट्स नंबर 4 क्या हो सकता है कि अगर आप किसी बैड इन्वेस्टमेंट में फंस गए, स्ट्रक हो गए, किसी के अंदर लीगल केस आ गया, या फिर किसी का बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज एक मार्केट में हवा है उस बिल्डर की और आप स्ट्रक हो गए, तो आप गए तो आप कुछ पैसा बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट गलत जगह लेके गए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकली। गुड़गांव के अंदर एक बहुत टाइम पहले एक हवा आया था, 2011-12 के आसपास की मैं बात बता रहा हूं आपको, कि एक नोएडा का था आई थिंक बिल्डर स्पायर करके, स्पायर वुड वगैरह करके काफी प्रोजेक्ट उसने लॉन्च करे थे, तो और बहुत सारे लोग उसको अंधाधुंध बेच रहे थे, बट उसका कोई प्रीवियसली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, तो वो बाद में एनसीएलटी में गया और आज तक जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा उनका पैसा रिकवर नहीं हो पाया। सेकंड एग्जांपल देता हूं, नोएडा के अंदर एक बिल्डर था कॉस्मिक, उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फेक प्रॉमिस करे, और आज की डेट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा वो लोग आज की डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है। तीसरा एग्जांपल देता हूं, गुड़गांव में एक और अनदर बिल्डर था ईरा करके, ईरा 103 करके अंदर प्रोजेक्ट लेके आया था, उसके अंदर भी सेम केस है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे लोगों की गलत डिसीजन लेने की वजह से इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, और रेजिडेंशियल में भी है, कमर्शियल में भी है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा लालच करा और उनको डर था, फियर और ग्रीड, जिसकी वजह से उनकी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है स्ट्रक हो गई, ऑलराइट, और एनसीएलटी में केस चला गया। तो उस टाइम आप ना सिर्फ अपना पैसा वेस्ट करते हो बल्कि अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, अपनी पीस ऑफ माइंड वेस्ट करते हो, पीस ऑफ माइंड लूज कर देते हो, रात को नींदें नहीं आती, एक तरफ ईएमआई भी जा रही होती है, एक तरफ किराया भी जा रहा होता है, और आपको ये आइडिया नहीं होता कि प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑलराइट, और आपको लगता है कि मैंने कुछ ब्रोकरेज सेव करके मैंने बहुत बड़ा एक महान काम कर लिया है, ऑलराइट। अब डिसएडवांटेज क्या है नो ब्रोकर के, डिसएडवांटेज क्या है कि आपको लगेगा बहुत जगह कि ये ब्रोकर है ही नहीं, यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ कंपनीज मार्केट में इस नाम से भी प्रचलित है कि वी डोंट टेक एनी ब्रोकरेज, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं पता कि वहां पे भी ब्रोकरेज इन्वॉल्व है। सेकंड, अगर आपको लगता है मैं बिल्डर के पास ऑफिस में जाके डायरेक्टली मैं डील कर रहा हूं और वहां पे मैं अपनी ब्रोकरेज सेव कर लूंगा, तो उसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके ऑफिस के अंदर साइट विजिट्स पे ब्रोकर्स बैठे होते हैं, आपको कार्ड भी लगेगा, ऐसा मिलेगा कि हाँ मेरे को बिल्डर का कार्ड मिल रहा है तो मैं बिल्डर से डायरेक्टली डील कर रहा हूं, बट वहां पे आप एज ए कंसल्टेंट से ही डील कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे उसके बाद वहां पे एक स्टैंप लगेगी और आपको पता ही नहीं, ओके। तो सेकंड, आपको फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको लगेगा कि मैंने बिल्डर से डील ली है, बट एक्चुअल में आपने किसी कंसल्टेंट से ही डील ली होगी, क्योंकि मोस्टली जगह बिल्डर्स जो है वो अपने आप, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, मैं किसी का नाम ले लूंगा कि वो खुद अपने दम पे बड़े से बड़ा बिल्डर, नंबर वन, नंबर टू, नॉट टॉप फाइव बिल्डर्स, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दम पे सारे के सारा प्रोजेक्ट सेल कर सके, तो उनको रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की, ब्रोकर्स की हेल्प लेनी ही पड़ती है, ऑलराइट। तो उसके बिना मार्केट ड्राइव ही नहीं होती, ऑलराइट, क्यों, क्योंकि उनकी वो एक तरीके से बहुत बड़ी सेल्स फोर्स है, ऑलराइट, जो कि उनके पास कस्टमर्स लेके आती है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि
आप अपनी एक पोस्ट सेल सर्विस मिस आउट कर जाते हो अगर आप एक कंसल्टेंट को अप्रोच नहीं करते, क्योंकि आपको बहुत बार अगर कहीं पे रुके होते हैं, आपको लगता है कई बार कि यार मैं तो इस बिल्डर से डायरेक्टली डील कर रहा हूं, ये इंप्लाई है उसका, मैं इससे डील कर रहा हूं। बट इंप्लाईज का पता है प्रॉब्लम क्या है, इंप्लाईज आज की डेट में इस कंपनी में है, कल की डेट में दूसरी कंपनी में है, टारगेट पूरे नहीं हुए तीसरी कंपनी में है, ज्यादा पैकेज लग गया चौथी कंपनी में है, तो वो कंपनी टू कंपनी शिफ्ट होता रहता है। और अल्टीमेटली बंदा कौन फंस जाता है, जिसने इन्वेस्ट करा हुआ है। वहीं अगर आप एक कंसल्टेंट से डील कर रहे हो तो भले ही इंप्लाई किसी भी कंपनी में शिफ्ट हो गया है, बट अगर आपने सही बंदा चूज कर लिया तो किसी भी जगह आपको अगर आप फंस गए तो आपको निकलवा लेके जाएगा, भले वो लीगल प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, भले वो रीसेल हो, भले आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाना हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, आप कुछ लाख बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कई बार गलत जगह गलत हाथों में दे देते हो। ऑलराइट, सो और क्या डिसएडवांटेज है नो ब्रोकर की, आप कंफ्यूज रहते हो एक, क्योंकि ये समुंदर है। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 100 डेवलपर होंगे छोटे बड़े, और कम से कम 500 प्रोजेक्ट्स होंगे, 500 से 1000 प्रोजेक्ट्स होंगे, तो एक इतना बड़ा जो समुंदर है, अगर आप सही बंदे से डील नहीं कर रहे तो आप उस समुंदर में खो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस बजट में और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते थे। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी क्लैरिटी मिल गई होगी, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, पर मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता था, यस ब्रोकर वर्सेज नो ब्रोकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल गई होगी एज ए रियल एस्टेट कंसल्ट, एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर, कि आपको एक ब्रोकर का होने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना। ऑलराइट, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर। मीनवाइल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय, टेक केयर।